Hey guys, we are the Doublet Diary और हम जा रहे हैं बाली। तो इस 14 दिन की ट्रिप में हम विजिट करेंगे बाली के कुछ बेहतरीन टेंपल्स, कुछ अमेजिंग वाटरफॉल्स, सुंदर लैंडस्केप्स और साथ ही एक्सप्लोर करेंगे गिली और नूसा पेनिदा आइलैंड्स। आज हमारा फर्स्ट स्टॉप है तेगलेलांग राइस टेरेसेस, जहां हम ट्राई करेंगे फेमस बाली स्विंग। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे फालामतुर कॉफी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लेंगे प्यूरिफाइंग बाथ पूरा तीर्था एम्पुल टेंपल में। इसके साथ ही इस वीडियो में स्कूटी रेंटल, सिम कार्ड, पेट्रोल प्राइस सबकी इन्फो मिलेगी। शुरू करने से पहले हमारे चैनल द डबलेट डायरी को जरूर सब्सक्राइब करिए। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उबुद। एकदम स्वैग में अपने रूम से निकलते हुए द डबलेट डायरी। देखो तो कितना ग्रीन और सुंदर है ये होटल, कहीं से भी 750 का लग रहा है भाई। मछलियां भी तैर रही है यहाँ पे। सो ये है हमारे होस्ट स्वान इन होटल पे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल और क्यूट है। कल रात को लेट आए थे, इसलिए चेक इन प्रोसीजर अभी किया जा रहा है और साथ ही स्कूटी रेंट की जा रही है। गाइस, बाली में पहला दिन है घूमने का, तो हमने आज ऐसे लेट हो गए, हम 12 बज गई है क्योंकि बहुत थकान थी यार फ्लाइट की। करीब 24 घंटे लग गए यार हमको पहुंचने में, तो बहुत ज़्यादा थकान थी। तो हमने आज बाइक ले ली है कुछ 70,000 रुपीज़, देखते हैं चला के अच्छी लगी तो एक्सटेंड कर लेंगे। तो अभी पहले खाना खाना है, सिम लेना है और फिर पेट्रोल भराना है और जगह घूमने जाना है। तो मैं एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है बाइक रेंटल पे, आंसर कर देता हूँ अभी। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, मतलब IDP शॉर्ट में, वो रिक्वायर्ड है बाली इंडोनेशिया में ड्राइव करने के लिए। जनरली जो बाइक रेंटल वाले हैं वो IDP नहीं मांगते हैं रेंटल देने के लिए। तो इस होटल का जो अप्रोच है अराउंड 100 मीटर का, वो रास्ता काफ़ी नैरो सा है, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इस वजह से। तो उबुद पैलेस के आसपास हम सिम कार्ड की तलाश में घूम रहे हैं, बिना गूगल मैप के एक अनजान शहर में भला कैसे हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। सो गाइस, हमको उबुद मार्केट के पास में सिम कार्ड मिला है कुछ 200,000 बोलते हैं यहाँ पे, 200,000, तो इसका मतलब हो गया 1,000 रुपये में अपने को 30 दिन के लिए 35 GB। तो गाइस, यहाँ के जो रेस्टोरेंट में ना भाव ना हमेशा थाउजेंड्स में लिखे रहते हैं, जैसे कि 50,000 है तो सिर्फ 50 लिखा रहेगा, तो मतलब अपना इंडिया का 250 रुपये। तो यहाँ पे इस रेस्टोरेंट पे एक डिश है अपना इंडियन, खाली एक डिश है, बटर चिकन करी 85, मतलब 450 रुपये का। उसमें राइस वाइस सब दे रहे हैं तो ठीक लग रहा है मुझे, और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है इस होटल का। हमारा ब्रंच था 1.5 लाख रुपए का। तो वाटर बॉटल खरीदने के लिए सबसे किफायती जगह है सुपरमार्केट। बाली में 600 ml और 1.5 लीटर की बोतल जनरली बिकती है, यहाँ पे 1 लीटर वाला कोई सीन नहीं है। 6,000 की पानी है, दोनों 6,000। हाँ, दोनों 6,000। तो गाइस, पेट्रोल डलवाया कुछ हमने 1 लीटर कुछ 7,600 रुपए का था यहाँ का। एक चीज़ मैंने नोटिस की, बाली में हर जगह मेन रोड वाली होटल पे सामने एक पर्सन खड़ा रहता है जो होटल की गाड़ियों को रोड क्रॉसिंग कराने के लिए ट्रैफिक को रोकता होता है। ये भी सही है भाई। 20,000 रुपी में एंट्री मिली है राइस टेरेस की, मतलब 50 रुपये पर पर्सन समझ लो। जो ये राइस टेरेस है वहाँ आप कहीं पे भी ऐसे गाड़ी लगा सकते हैं। Okay. And if you want swing, my friend, maybe Bali swing. How much for swing? Okay, 150. You want try? No, but okay. We'll first explore. जो राइस ट्रेस है ना, जो स्ट्रेच पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जहाँ से एंट्री है या नॉर्मल एंट्रीज भी है, तो आप कहीं से भी उतर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मस्त, जो फेमस आपने देखा होगा।
प्लेस ऐसा है कि ये एक राइस टेरेस थी जहाँ से हम घुसे, उसका एक एरिया मार्क्ड है, उस एरिया के आगे जाना है। जैसे ये ब्रिज लेके जो लोग जा रहे हैं उसका एडिशनल 50 रुपये और देना है उस राइस टेरेस पे जाने के लिए। तो ऐसा अलग अलग राइस टेरेस है, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकल के इसी और में डायरेक्ट जाए या इसके थ्रू जाए, क्योंकि अगले वाला भी लेगा ही शायद तक, पता नहीं। हाँ, सब लेते हैं। तो वैसा है वो लिखा था, इसमें घुसने का तो नहीं लिया उसने कि एक कॉमन एंट्री है और उसके बाद ये अपने अपने एरिया का वो अलग 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 रहते हैं। कभी कभी डोनेशन भी लेते हैं और कभी कभी फिक्स भी लेते हैं। 20,000 फॉर एंट्री अगेन। वीजा को अभी तक यहाँ की करेंसी का कन्वर्जन समझ नहीं आया अच्छे से, हर बार कंफ्यूज हो जाती है क्या देना है। तो गाइस अभी मस्त ड्रोन लाया अपन ने यहाँ पे, बहुत मज़ा आया, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये राइस टेरेस। अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करके बस आई थिंक निकलेंगे। यहाँ पे टॉयलेट भी है बना हुआ। पीछे यहाँ पे लोकल्स हैं जो कि राइस प्लांटेशन कर रहे हैं। पीछे दिखो, दिख रही है आपको राइस टेरेस विद अ हर्ट। वो सब जनरली शॉप हैं जहाँ से एक्सेस होता है। जैसे हमने एक शॉप से एंट्री ली थी, वैसे बहुत सारी जगह से आप एंट्री ले सकते हैं। बट हमारी वाली एंट्री वाली जगह ये सीन था कि उसके और आगे एंट्री के लिए वो कुछ गेट पे एक पर्सन बैठा हुआ था। तो यहाँ पे वैसे जो गेट या ब्रिज है उस पे कोई बैठा नहीं है, तो शायद तक इस साइड से आने पे वो एडिशनल रुपये नहीं लगेंगे मे बी। तो ये सब इंटरकनेक्टेड टाइप की हैं, तो हम बस वापस जिससे आए थे वहीं जा रहे हैं ताकि कहीं और ना निकले, हमारी गाड़ी कहीं उसके पीछे। गाइस हम लोग करने वाले हैं बाली स्विंग जो होता है बड़ा वाला, कुछ 150,000 का होता है एक पर्सन का। तो कपल का कुछ 200 में किया है और साथ में कुछ फ़ोटो खींचना अलाउ करिए अलग अलग जगहों पे। तो बस इनके बाद हम करेंगे अभी ये कपल बाली स्विंग, रोमांटिक कपल बाली स्विंग। टूटेगा तो नहीं ना। 1 2 3 ओह नाइस मैन। कलर वाले पैट करेंगे कलर ब्ला आज छोड़ दिया। चलो मोर किस 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 बाली स्विंग हो गया। थैंक यू। तो गाइस बड़ा मज़ा आया बाली स्विंग और वो जो यहाँ की एक्टिविटी थी इंस्टाग्राम वाली करने में। अब हम जा रहे हैं एक टेंपल है जो यहाँ से थोड़ा ही पास में है, क्या है जगह का नाम, पूरा तीर्थांकुल। तो ये एक टेंपल है, तो ये देखते हैं, हम 6 बजे तक बंद होगा, अभी 4:30 बजे यहाँ से पास में ही हम पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट में। टेम्पल की एंट्री पे हमें एक लोकल मिले जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि पहले आप कॉफी प्लांटेशन देख लो फिर ये टेम्पल आ जाना। I mean, the plantation, there are closed at 8:00. In here, open, still open. How are you today? Good, good. To Bali. Thank you. The beans, you can see the red color of coffee beans that ready to take and ready to processing. And then for the green color of coffee beans that's still younger, Mumbai, yeah. Capital, Finally capital, yeah. Bollywood, yes. Hollywood place. Yeah. The coffee, they will selection first on the coffee tree. They smell which one best quality coffee. After okay. They find the good quality, they will eat. But they not eat all. They will eat the red skin of coffee beans. And then the beans, they will swallow, fermented, and poti come out. Yes. Okay. And then the poti, we will take and we will process. Oh, yes. Yeah. The animal is raccoon? No, it's a cat family. Cat family. Okay. Yeah, oh. Cat family. And I will show you the animal. We have that animal here. Yes, yes. The luwak will stay here in the cage only for sample, only for showing customer, because we have a lot of population in the wild, and also we protect the population. We can't take them more than 1 week.
Okay, the famous one. Yeah, the famous one. The Palantur coffee. Palantur. Yeah, Palantur. Yes, and we have that coffee here. Especially ginseng, we mix with coffee. Okay. Whether okay. you can taste all that, yeah? And then over there, how we make it coffee. And this is the Potiwala coffee. Okay. Yeah, the poti is come out like this, and then the process we have to wash it by hot water become clean, and then we dry. After dry, we remove the shell. Oh. Yeah, we that take one. It the clean beans like this. Yeah, and the next we have to guna 45 minutes for 1 kilo become dark color, and then next we kutna. Okay. After these kutna, are... we chana. Everything is manual process. So this kutna chana is Balinese word? Hindi? I speak Tora Hindi. Yeah, luwak kopi. And if you like to testing this, 1 cup 50,000 rupiah. Special okay. for luwak kopi. And then normal kopi, I will give you mood tester. Alag flavor. Okay. 250 rupiah. गाइस बोलते हैं ना कुछ प्लान नहीं होती बट आप आ जाते हो तो ये कॉफी प्लांटेशन प्लान नहीं था मतलब बैग गिरना भी प्लान नहीं था मुझे लगा बालीनीज में भी अदरक को अदरक ही बोलते क्या दालचीनी को दालचीनी बोल रहे हैं नहीं उसने कूटना बोला ना कूटना भुनना तो मुझे लगा हो सकता है मे बी देखो नहीं ये मुझे लग रहा है दिस इज टारगेटेड इसका ऑडियंस इंडियंस ही है देखो सारे इंडियंस ही दिख रहे तो ट्राई करते हैं सबसे पहले पलंग तोड़ कॉफी ठीक है बहुत ज़्यादा मीठी है बट टेस्ट ठीक है दिस इज कोकोनट कॉफी दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारी टेस्टर दिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस करते हैं इसमें बाली कॉफ़ी है बाली कोकोआ कॉफ़ी है जिनसेंग कॉफ़ी है जिसको ये पलंग तोड़ कॉफ़ी बोल रहे हैं मुझे लग रहा है इंडियंस के लिए इन्होंने अच्छा खोजा है पॉपुलर करने के लिए दिस इज़ लेमन ग्रास दिस इज़ कोकोनट कॉफ़ी ये भी अच्छी थी मैंने ट्राई किया जिंजर टी वनीला कॉफ़ी रोज़ेला बाली कॉफ़ी विथ कोकोआ मैंगो स्टीम टर्मरिक एंड लेमन टी अब एक एक ट्राई करते हैं मैंने कोकोनट ट्राई कर ली अच्छी थी बाली कॉफ़ी बहुत ही कड़वी थी यहाँ पे हमने कॉफ़ी टेस्ट करी थी आपको जो पसंद हो आप यहाँ से खरीद सकते हैं शॉप है यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा टूर दिया यहाँ पे हमको कि क्या क्या होता है इट्स गुड तो अब हम जाएंगे टेम्पल जो फाइनली हमारा प्लान था मुझे कॉफ़ी प्लांटेशन के बाहर वो लोकल दिखा जो हमारे टूर एंडर का वेट कर रहा था लेकिन जब उसको पता चला कि हमने कुछ ख़रीदा नहीं तो वो चला गया नेक्स्ट कस्टमर की तलाश में तो भैया ये ट्रिक थी टूरिस्ट को कॉफ़ी प्लांटेशन भेजने की बट कोई ना हमें तो एक नई चीज़ देखने मिली और फ्री की कॉफ़ी टेस्टिंग मिल गई और कॉफ़ी ख़रीदने के लिए यहाँ पे लोग ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे थे तो ऑल गुड गाइस अभी हम जा रहे हैं टेंपल तीर्था एम्पुल दिस इज़ द टिकट एंट्री की एक बंदे का 50,000 मतलब 250 तो टोटल 500 रुपये एंट्री फी यार बाहर की कंट्रियों में अगर आप टेंपल या कोई पार्क घूमते हो ना तो फॉरेनर होने वाला वो चीज़ लग जाता है और आपको 10x पे करना पड़ता है मिनिमम तो इस टेंपल का ऐसा है कि ये खुला रहता है 24 घंटे बट 6 बजे तक इसकी टिकट देते हैं ये लोग तो 6 बजे के बाद क्या सीन होगा अंदर घुसने का या फॉरेनर्स को घुसने देंगे या नहीं वो पता नहीं तो देख यार यहाँ के पेड़ इतने सुंदर क्यों हैं वो देख रहे हो पेड़ के ऊपर इतने सारे पेड़ उगे हुए हैं जंगल वाली फीलिंग आ रही है ना तो हम टेंपल के अंदर जा रहे थे तो हमको बोला कि ये सरोंग आपको कंपलसरी है बाहर पड़े हैं बहुत सारे आप ले लीजिए कोई भी ऐसे पहना है अपने सरोंग यहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स में कंपलसरी है पहनना तो ये भी एक टेम्पल है जिसमें कंपलसरी है सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फ्री था बाहर आप ले सकते हो तो दैट्स गुड तो गाइस ये जो टेम्पल है इसमें वाटर पाउंड है जिसमें लोग नहाते हैं ये देखिए इधर नहाने के लिए सरोंग ले सकते हो और लॉकर भी ले सकते हो काफ़ी सही है ये फैसिलिटी अभी हम जा रहे हैं बाथ लेने के लिए और यहाँ पे तेज बारिश हो गई है बहुत ठंडा पानी है पूरा तीर्था एम्पुल एक हिंदू बालिनीज वाटर टेम्पल है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है इस टेम्पल में बहुत सारे होली वाटर स्प्रिंग्स हैं जिसमें नहाना पवित्र माना जाता है यहाँ पे आप प्यूरिफाइंग बाथ ले सकते हैं तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल तो क्या
तो हम जब पूरा तीर्था इम्पुल में ड्रेस चेंज करके नहाने जा रहे थे तभी बारिश स्टार्ट हो गई वहाँ पे, तो रेनकोट पहन के हम जैसे तैसे निकल गए वहाँ से। तो वो जो एरिया था वो थोड़ा हिली एरिया था, तो वहाँ बारिश तेज थी। जैसे हम उबूद के सेंटर वाले पार्ट पे आए तो बारिश खत्म हो गई, तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। लेकिन रास्ते में लाइट वगैरह थी और रास्ता भी अच्छा था। हाँ, रोड काफी अच्छे थे अभी तक तो यहाँ पे, तो काफी सही रहा आज का पहला दिन उबूद में। उबूद से प्यार हो गया, मतलब इतना सुंदर जगह है ये, हर जगह हर गली बहुत सुंदर है। और एक तो इतनी सुंदर सुंदर शॉप्स है वहाँ, कितने अच्छे अच्छे वुड के और सबके आइटम्स मिल रहे हैं। मतलब यहाँ से सब बहुत सामान उठा के ले जा सकते हैं, मतलब जिनको घर रिनोवेट करना है या इंटीरियर्स के लिए, तो मतलब जन्नत लग रहा है। बट वही है, आप लेके नहीं जा सकते। तो अभी हमारा प्लान है बस थोड़ा सा शावर लेते हैं हॉट वाटर से, जो अपना बाथटब है, इतने 750 के रूम में बाथटब मिला है अपने को, ये बालकनी बड़ी सी मिली है थैंक्स टू मी। पीछे पूल भी है बट हम पूल अभी तक जा नहीं पाए देखने के लिए। अभी बस हम नहा के फिर निकलेंगे उबूद का जो मेन मार्केट है, वहाँ खाना ना खाएंगे और थोड़ा बहुत चीज़ें हमको शॉर्ट करनी है आगे के ट्रिप के लिए, वो देखेंगे। मस्त स्ट्रीट है यार उबूद की वाली, मज़ा आता है चल के यहाँ पे, एकदम आर्टिस्टिक और एकदम ग्रीन ग्रीन सुंदर, नेचर एंड आर्ट टुगेदर, वो स्ट्रीट टाइप का दिख रहा है वाला शॉप। बॉलीवुड इंडियन कुजीन करके एक दिखा है ऑर्डर, इंडियन फूड बाय ग्रैंड पास कॉफी, कहाँ जाए। गाइस आज हम रेस्टोरेंट आए हैं, उसका नाम है गेदोंग सीसी करके, ये उबूद मार्केट एरिया में ही है, हम वहीं खा रहे हैं आजकल। तो एवरेज प्राइस मैंने देखा है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लग जाता है एक मील को हमको अभी, तो यहाँ पे देखते हैं कितना जाता है। तो अच्छा एम्बियंस है, मस्त बैठने का सीटिंग है, इट्स गुड। और यह है पहला बियर बाली का, बिंग टैंग करके एक बियर है, ठीक है जैसा बियर में कुछ ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं है जैसा रेगुलर मिलता है हर जगह, यहाँ पे यही चलता है। क्या मंगाया बता? मी गोरेंग। मी गोरेंग मंगवाया मैंने, यहाँ का लोकल फूड है, इसमें श्रिम्प है, वाइट फिश है और नूडल्स है और वेजीज है और क्रैकर्स। सो विल हैव मी गोरेंग। तो गाइस पहला लोकल फूड मिला जो कि टेस्ट अच्छा लग रहा है हमको, हमने ऑर्डर किया वो है मी गोरेंग। तो ये थैंक्स टू मी अगेन, ये अराउंड 300 रुपए का मिल रहा है, तो दो लोगों का इसमें हो जा रहा है हमारा, तो हम आगे भी ट्राई करेंगे और भी हम इंडोनेशियन फूड खा पाएँ। तो ये उबूद पैलेस में एक डांस का प्रोग्राम होता है, ये पैलेस पीछे ही है, रामायण पे है रामायण। तो ये है, हाँ ट्यूसडे को लिखा है, मतलब जो कि कल है, आज मंडे है, तो 7:30 बजे, बट यहाँ का एंट्री भी है 500 रुपया। लेट्स सी कल अगर मूड रहा, थके हुए नहीं हुए, तो शायद तक हम ये अटेंड करेंगे। तो उबूद मेन मार्केट भी मतलब समथिंग 9 बजे से बैकअप होना चालू होते हैं थोड़े थोड़े शॉप्स यहाँ पे, और मेरे ख्याल से 11 बजे तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम शॉप बंद हो जाते हैं। तो खाना है तो अराउंड 9 बजे के समथिंग खा लो, वैसा सीन है यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट सन्नाटा हो गया है, सिर्फ एक मिनी मार्ट खुला हुआ है सामने। तो गाइस एक पानी का बॉटल लिया अभी, 1.5 लीटर का, कुछ समझ लो 40 रुपया। तो गाइस आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल द डब्लू डायरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बाली के व्लॉग्स आने वाले हैं टोटल। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम डेली अपडेट्स डालते हैं जो भी चल रहे हैं हमारे लाइफ में और ट्रैवल में।